पंजाब दे पानियां दी लड़ाई लड़ रहे विरोधी धिर दे नेता सुखपाल सिंह खैरा ने एक बार फिर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चुनौती दी है। खैरा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं राणा शुगर मिल का पानी पीने लई वंगारिया है। उन्हां कहा कि जेकर कैप्टन ने पानी पी लैणगे तां मैं सारी जद्दोजहद छड्ड देवांगा। उन्हां कहा कि पानी ते कोई भी सियासत नहीं की जा रही है, यह एक समाजिक मुद्दा है। खैरा ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री ते लीकर इंडस्ट्री के मालक कैप्टन के चहेते होने करके ही यह मिलों के मालकों की सियासतदान गंढ धुप होने करके कैप्टन वालों इन्हों खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। सुखपाल सिंह खैरा अज अमृतसर के पिंड बुटर विशेष तौर पर पहुंचे सन। पिछली बार भी रोक रहे थे हमारे को, लेकिन ऐसे डरने वाले लोग नहीं है। अगर राणा शुगर मिल के लोग और राणा इतना पाक साफ है तो फिर हमारे को रोकते क्यों हैं? आज भी बदमाश इकट्ठे हुए हैं झंडियां लेकर के, लेकिन आज बुट्टर गांव जिसमें मिल लगी है, इन लोगों ने, औरतों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने साबित कर दिया है कि यहाँ का पानी और हवा प्रदूषित है, हम कैंसर से मर रहे हैं, काला पीलिया हो रहा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं। सो हमारा मुद्दा ये किसी के खिलाफ नहीं है, अमरिंदर सिंह उसको गलत पेश कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह को तो जमीन की हकीकत का पता भी नहीं है। अमरिंदर सिंह को कल मीडिया ने पूछा कि क्या पंजाब के दरिया का पानी प्रदूषित है, वो बोल रहे कि यह बकवास है सारा। क्या यह बकवास है? ये लोगों के चेहरे आप देख लें, यह बकवास है। जिन लोगों को कैंसर होता है, जिनके घरों में बीमारी फैलती है, वो बकवास है। सो इसलिए अमरिंदर सिंह को मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो बकवास लगता है तो राणे गुरजीत का जो बुट्टर सिमिया मिल का ड्रेन का पानी एक गिलास पी के दिखा दे मेरे को, मैं यहीं छोड़ दूंगा सब कुछ। इसलिए ये लोग बिल्कुल ज़मीन से कट चुके हैं और ये ताकतवर मिल मालिकों के साथ, इंडस्ट्री वालों के साथ, जो लोग पानी को कंटेमिनेट कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, ये उनके साथ हैं क्योंकि इलेक्शन में पैसा देते हैं। ये गरीब क्या दे देंगे उनको पैसा अमरिंदर सिंह को? अमरिंदर सिंह को तो करोड़ों रुपए का फंड वही लोग देंगे ना। इसलिए मैं इंडस्ट्री से भी अपील करना चाहता हूँ, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि काइंडली जैसे इंटरनेशनल बाकी कंट्रीज में पानी को ट्रीट करके और फिर छोड़ा जाता है बाहर, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ट्रीट किया जाता है, आप वैसे करें, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम पंजाब का पानी सिर्फ साफ देखना चाहते हैं। जुबानी जंग जो बहुत तेज होगी, वो बोल रहे हैं कि ठंडा पेट की जाएगी अगर नहीं गलत पाएगा। ऐसे शब्द इनको मुबारक हैं, लेकिन हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, हम कैंसर और काला पीलिया और इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। ये जो इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये इनको मुबारकबाद। कितने चेक किए गए हैं आज? आज हमने 7 पीड़ित लोगों को 25,000 जो हमारा एक गुर ज्ञान फाउंडेशन है वैंकूवर में कनाडा ने, उनका बच्चा एक 21 साल का इंद्रजीत सिंह बैंस का कैंसर से मर गया था। तो जब उन्होंने ये खबर सुनी, जब लेट औरतों ने पिछली बार बोला कि हम लोग कैंसर से मर रहे हैं, हमारी आँखें खराब है, तो उन्होंने ये 2 लाख रुपए की राशि इन लोगों के लिए भेजी। फ्यूचर में तो मैं गवर्नमेंट को ये बोल सकता हूँ कि एक आप कैंसर सर्वे कराएं ना पंजाब में, टोटल कैंसर सर्वे पंजाब में कराएं, और फिर एक सेकेंडरी सर्वे कराएं जो इंडस्ट्री से पोल्यूट होकर के लोगों को कैंसर हुआ। और ये 1.5 लाख रुपया कैंसर के लिए पेशेंट्स के लिए बहुत थोड़ा है, इसको 10 लाख रुपये की हेल्प करें और ये सर्वे करा करके बताएं हमको कि कौन कौन सी इंडस्ट्री कैंसर के लिए जिम्मेवार है। इस मौके लोक इंसाफ पार्टी के नेता और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने भी पानिया के मुद्दे से कैप्टन सरकार खिलाफ जम के भड़ास कढ़ी है। जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुछदे वाल जिन्हां नूं बेईमानी कारण कांग्रेस नूं मजबूरी बस कांग्रेस हाईकमान नूं मंत्री मंडल चो कढ़ना पिया, राणा गुरजीत जी की मिल वातावरण नूं पलीत कर रही है। सो एक पासे राणा गुरजीत जी ये दावे करते हैं भी मेरी इस बेई दे विच कोई मिल दे विचों तजाब नहीं जाता, तो दूसरे पासे डांगा वाले गुंडे तो वर्दी धारी कहांगा कि जिहड़ी पुलिस गुंडियां दा ही रूप कहांगा, वो जिहड़ा कानून नूं अपने हत्थां च लैंदे आ कि एक बेई दे विच जा के लोगों नूं मीडिया नूं ये दिखाउणा भी आ देखो भी फलाने राजनीतिक लीडर की मिल किन्ना क तजाबी पानी जिहड़ा पोल्यूशन फैला रही है। तो राणा गुरजीत जी सच्चे होण ते खुद खैरा ते मीडिया नूं कहिंदे भी आओ दिखाओ मेरी मिल दा गंदा पानी जिहड़ा। सो अज बहुत सारे वो पीड़ित जिन्हां नूं हैपेटाइटिस ए बी सी कैंसर वर्गियां भयानक बीमारियां, तो मैं धन्नवाद करदा साडे विरोधी धिर दे आगू खैरा साहब का जिन्हां ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, तो मैं स्पैशल धन्नवाद करदा कनेडा वसदे बैंस साहब का जिन्हां ने 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भेजी जिहड़ी अज इत्थे पीड़ित परिवारां नूं असीं तकसीम की। और मैं एक गल इंश्योर करना चाहना कि असी जिहड़ा वातावरण पलीत हो रहा ना,
चाहे वह हवा पानी वो धरती तो चाहे वह करप्शन करके इस पलीत वातावरण के खिलाफ कदे चुप नहीं होवांगे। असी सरकार नूं दसांगे कि विरोध की हुंदा, सच्चे रस्ते चल के विरोध किवें कीता जा सकता है, इमानदारी दे नाल लोकां दी वॉचमैनशिप चौकीदार किवें हो सकदा। सो असी उह दसांगे चाहे किसे अहुदेयां ते विराजमान होण, सानूं कोई फर्क नहीं। भाई साहब तुसीं ते सुखपाल खैरा हमेशा इकट्ठे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।